करेंगे? तू आंसू गैस छोड़ोगे? कागज नहीं दिखाएंगे? तुम जहर की चाय उबालोगे? कागज नहीं दिखाएंगे? हम प्यार की शक्कर घोलेंगे? कागज नहीं दिखाएंगे? हम घट घट पी कर जाएंगे? कागज नहीं दिखाएंगे? ये देश हमारा अपना है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, जोरदार तालियां बजाइए जनाबे फिरोज शाह साहब को कि उन्होंने हालात की नज़ाकत को समझते हुए हमको जोड़ने का काम किया है। हमारे दरमियान में खातून की नुमाइंदगी करने के लिए मोहतरमा वर्षा विद्या विलास साहबा मौजूद हैं। मैं उन्हें इन मिसरों से ज़हमत कलाम देना चाहता हूं कि गम की हर मोड़ पे संगीन सी चट्टान बने, गम की हर मोड़ पे संगीन सी चट्टान बने, अपनी बस्ती का हर एक शख्स निगहबान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। इंसानियत की नुमाइंदा करने वाली ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरमा वर्षा विद्या विलास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दीवान साहब, एक ज़ोरदार तालियां दीवान साहब के लिए। उनके साथियों, मंच पर उपस्थित सभी भाई और मंच के सामने उपस्थित सारी मेरी माता बहनें सखियों दोस्तों, आप सबको आदाब नमस्कार जय भीम। साथियों, एक जोरदार नारा देते हैं। मेरे मुझसे पहले जो हजरत साहब बोले कागज बनाएंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं, तो एक जोरदार नारा देते हैं, ठीक है? तानाशाह आकर जाएंगे भाई, दिल्ली तक आवाज पहुंचानी है, ये हमारे सरकार तक तो आवाज पहुंच ही गई है। जो हमारे दिल में है या कहिए हमारे मन में है, वही इस यहाँ पर जो सरकार बनी है महाविकास आघाड़ी की, उसके दिल में है। हमको तो आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचानी है ना, तो इसीलिए जोरदार आवाज निकलनी चाहिए। तानाशाह आकर जाएंगे, तू आंसू गैस छोड़ोगे? कागज नहीं दिखाएंगे? तुम जहर की चाय उबालोगे? कागज नहीं दिखाएंगे? हम प्यार की शक्कर घोलेंगे? कागज नहीं दिखाएंगे? हम घट घट पी कर जाएंगे? कागज नहीं दिखाएंगे? ये देश हमारा अपना है। कागज नहीं दिखाएंगे? जोरदार, हम कागज नहीं दिखाएंगे, जोरदार आवाज आनी चाहिए। यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल है, कागज नहीं दिखाएंगे? अरे मिट्टी को कैसे बांटोगे? कागज नहीं दिखाएंगे? दिल्ली और पूरे देश भर में चल रहा है, महाराष्ट्र को छोड़कर, पुलिस के डंडे मारोगे? कागज नहीं दिखाएंगे? अरे जेल में हमको डालोगे? कागज नहीं दिखाएंगे? तुम बस बंद करवाओगे? कागज नहीं दिखाएंगे? तुम जेल बंद करवाओगे? कागज नहीं दिखाएंगे? हम पैदल पैदल आएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे? साथियों, सीए और एनआरसी के खिलाफ हमें जोरदार हल्ला बोलना होगा, इसलिए मैं कहूंगी सीए एनआरसी की खोल दे पोल, आपको बोलना है हल्ला बोल हल्ला बोल। अरे सीए एनआरसी की कर दे पोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। अरे सीए एनआरसी की खोल दे पोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। मेरी माँ भी मांगे, हल्ला बोल हल्ला बोल। माँ भी मांगे, क्या मांगे? मेरी माँ भी मांगे आजादी, मेरी बहना चाहे आजादी, मेरा भैया चाहे आजादी। अरे जोर से बोलो आजादी, अरे हाथ उठा के आजादी, अरे ऊंचा बोलो आजादी, अरे हाथ उठा के आजादी, अरे हिंदू बोला आजादी, अरे मुसलमान बोला आजादी, अरे सिख भी बोला आजादी, अरे पारसी बोला आजादी, अरे बौद्ध भी बोला आजादी, अरे अत्याचार से आजादी, अरे दमन से आजादी, अरे शोषण से आजादी, अरे हक है हमारा आजादी, अरे हक है तुम्हारा आजादी, अरे क्या मैं बोलूं आजादी, अरे क्या मैं मांगूं आजादी, अरे आजादी 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 आजादी। साथियों, तेरे गुरूर को जला देगी वो आग हूँ, तेरे गुरूर को जला दोगी ये आग हूँ, आकर देखो मुझे ये मुंबई की बाग हूँ मैं। इतनी सारी बहनें साथियों, मैं मानती हूँ जब सीए और एनआरसी की बात निकली
तो सबसे पहले रास्ते पर उतरा है हमारा मुसलमान भाई, इसलिए जोरदार अभिनंदन करना चाहती हूँ। यह लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये हिंदुओं को बताना होगा। साथियों, लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुओं की भी हो, और इसीलिए उन इलाकों में जाके हम बता रहे हैं ये जो बैठे हैं वो क्या करने जा रहे हैं। साथियों, बहुत से मेहरबान साथियों ने बहुत सारी बातें की, और मैं मानती हूँ कि इस मंच पे सीए और एनआरसी और एनपीआर मत समझाइए, क्योंकि ये एंड्रॉइड फोन है ना अपने हाथ में, ये जो तकनीक है ना, इस तकनीक में आप www मासी को, गूगल मासी को, या मासा या चाचा चाची जो भी आप कहे उनको पूछोगे तो आपको खुलकर पता चलेगा कि सीए क्या है, एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है। मुझे लगता है डरना है एनपीआर से। अब सीए एनआरसी की लड़ाई तो जारी है, लेकिन 1 अप्रैल से एनपीआर होने जा रहा है, ध्यान में रखिए, और डरना हमको उससे है। इसीलिए जो नारा लगाया मैंने, कागज नहीं बताएंगे, उससे संबंधित जुड़ा हुआ है। साथियों, ये हमसे क्या मांग रहे हैं, हमारे बुजुर्गों का, यानी दादा परदादाओं का, 1951 से पहले का प्रूफ। इनको कहिए, प्रूफ मांगना ही है ना, तो जाकर जाइए अजमेर शाह दरगाह पर जाइए और उसकी तारीख देखिए, आपको प्रूफ मिल जाएगा। तारीख मांग रहे हैं ना हमसे, इनको कहिए उस कुतुब मीनार से पूछिए जो पार्लियामेंट से भी ऊंचा है, उसकी रजिस्ट्री है ना अपने नाम पर, मांगे तो मांगना है, उससे मांगिए। इनसे कहिए कि इतने पुराने कागजात नहीं मांगे, संजय भाई आप भी कहिएगा इतने पुराने कागजात नहीं मांगे, नहीं तो कहीं हम लाल किले के मालिक न मिल जाए। तो इसीलिए साथियों, इनका तो कैसा है ना, यह हमारे पीएम साहब कहना पड़ेगा, क्योंकि कुर्सी को, कुर्सी की प्रतिष्ठा है, ध्यान में रखिए, तो इसलिए कुर्सी को तो प्रतिष्ठा देनी पड़ती है। या आकर हमको कहते हैं कि 130 करोड़ जनता को मैं बताना चाहता हूं, रामलीला के मैदान में कह रहे हैं भाई, अब कह रहे हैं कि 130 करोड़ जनता को मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से जब से मेरी सरकार बनी है, कहीं पर भी हमने एनआरसी शब्द का उच्चार नहीं किया। और दूसरे साहबान जिसे हम इनविजिबल पीएम कहते हैं, एक पीएम है लेकिन एक इनविजिबल पीएम भी है भाई, संजय भाई, तो ये पूरी हमको एक शेड्यूल बना के दे रहे हैं कि देखो हाँ, इनके सारे जो जितनी भी चर्चाएं टेलीविजन पर चल रही है, हम सब देख रहे हैं, फेसबुक और इसमें सब में चल रही है। एक कहते हैं 130 करोड़ जनता को कि 2014 से मेरी सरकार है भाई, पर एक भी बार एनआरसी शब्द का उच्चार तक नहीं हुआ। इनविजिबल पीएम आकर कहते हैं कि पहले है ना एनआरसी आएगा और बाद में सीए आने जा रहा है, यानी पूरी तरह से एक शेड्यूल बना के हमको बता रहे हैं। तो दूसरे हमारे सुप्रीमो, जिनको कह सकते हैं राष्ट्रपति, 20 जून 2019 को वह संसद में भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे देश में घुसपैठी घुस गए हैं। माननीय है, घुसपैठी घुस गए हैं भाई, ठीक है, घुसपैठी है, घुसपैठियों को निकालने के लिए हमारा विरोध है, घुसपैठियों को निकालने के लिए हमारा विरोध है क्या, नहीं है भाई, ठीक है, घुसपैठिया है। वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार इन घुसपैठियों से जूझ रही है, तो इसीलिए हमारा वचननामा है, उस वचननामा में लिखा है कि भारत से सारे घुसपैठियों को निकाल दो और वो हमारी प्राथमिकता है। मतलब झूठ पर झूठ बोला जा रहा है साथियों। एक कहता है कि बात ही नहीं हुई, एक कहता है कि भाई ये आने जा रहा है, और तीसरा कहता है कि हमारे वचननामा में है। साथियों, पर हम भारतीयवासी को डरने की जरूरत है क्या, हम भारतवासियों को डरने की जरूरत है क्या? साथियों, ये जालिम देश बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो हम वो, अगर तोड़ेंगे तो हम वो तोड़ेंगे। इनका कैसा है ना, आप सोचिए,
आज देश में जो आंकड़े अपने सामने आए हैं, उस आंकड़ों को आपके सामने रखना चाहती हूँ साथियों। यानी देश में 30 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, 17 मिलियन ऐसे लोग हैं कि जो रैन बसेरा, फुटपाथ या ब्रिज के नीचे रहते हैं, 150 मिलियन से भी ज्यादा लोग आदिवासी, ये भटके विमुख जीव बोलते हैं ना, जो घूमते रहते बकरी चटाई लेकर जगह जगह घूमते रहते, एक जगह पर कहीं बसते नहीं है, ऐसे 150 मिलियन लोग हैं। 80 मिलियन ऐसे लोग हैं कि जो ट्राइबल है, आदिवासी है। सवाल इन सारों को भी रास्ते पर उतरना पड़ेगा साथियों। आज देश की एकता के लिए मुसलमान साथी बहने भाई रास्ते पर उतरे हैं, तो दलित को भी उतरना पड़ेगा, आदिवासी को भी उतरना पड़ेगा, भटके विमुक्त को भी उतरना पड़ेगा, पारधी को उतरना पड़ेगा, वो सारे लोगों को, तमाम लोगों को उतरना पड़ेगा। अपने देश में 66% लोग इतने हैं कि जो पढ़े लिखे भी नहीं है। अब ये सारे लोग कागज कहां से लाएंगे बोलिए? इसीलिए नारा है कि हम कागज नहीं बताएंगे। हमसे आप सवाल कर रहे हो कि भारतीय हो दिखाओ। आपको मालूम है हाल ही में अभी एक दिन पहले एक जो जलगांव उसके खासदार है, उनके जाति का एक प्रमाण पत्र उनको पेश करना था। आज निर्णय आया है कि वो जाति का प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाए। अरे आप, तुम्हारे लोग पेश नहीं कर पाए, आप हमसे पूछते हो कि देश में कागज दिखाओ साथियों। ये नफरत की राजनीति को हमें साथी को रोकना होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हमला चाहे जैसा भी होगा, हम अपना हाथ नहीं उठाएंगे साथियों। ये सारी चीजें किस लिए चल रही है पता है? जिस तरह से इस देश पर आर्थिक मंदी आई है, यानी हमारी जीडीपी जो है ना, वो 3.5% का ही है। यहाँ पे रोजगार नहीं है, अशिक्षा बढ़ रही है, बैंकों में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा एनपीए है। ये सारी जो चीजें है ना, इसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं आपस में लड़ा दो हिंदू मुसलमान को, कागजों में उलझा दो। यानी हम नोटबंदी के वक्त लाइन में खड़े रहेंगे, हम कागज बनाने के लिए लाइन में खड़े रहेंगे, और इन सारी चीजों से वो हमारा ध्यान हटाना चाहते हैं। तो क्या हम इस सरकार का ध्यान हटाने देंगे? आपको बताएं कि आसाम में, यानी ये करने क्या जा रहे हैं? आज ऐसा हुआ ना कि ये जीन तो निकाल दिया उन्होंने, ये NRCCA को लाकर, अब इस जीन को अंदर कैसे डालेंगे? वो अलाउद्दीन का जीन होता है ना, अब इनकी तकलीफ ऐसी है कि वो अंदर कैसे डाले उनको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये मूवमेंट है। इसको पूरी मूवमेंट में जब तक हम नहीं बदलेंगे ना, ये बहिरी सरकार नहीं सुनेगी केंद्र की सरकार की बात। आसाम में जब उन्होंने किया साथियों, तो उनको तो लगा था आसाम में NRC करने से आसाम का मसला अलग है, समझ लो। आसाम में भाषा, संस्कृति, वहां की बहुत सारी चीजों पर असर है, इसलिए देश और आसाम थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा साथियों अपने को। आसाम में जब किया तो उनको लगा था कि हम लोग मिलेंगे उनमें, उनको ज्यादा तादाद में, लेकिन मिले हिंदू। अब करे तो क्या करे? तो इसीलिए फिर CA और ये सारा झंझट, ये सारी चीजें साथियों करना पड़ा। लेकिन भारत में ये नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि अपने देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उसमें 14-15 में 5 कलम से लेकर 15 कलम तक हमें समानता का अधिकार दिया है। धारा 15 क्या कहती है पता है? कि इस देश में भाषा, प्रदेश, हिंदू मुस्लिम, कोई भी धर्म, स्त्री पुरुष, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम चले गए, सुप्रीम कोर्ट को यह मानना पड़ेगा कि यह देश जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नागरिकता में भेदभाव नहीं करेगा साथियों। इसलिए आसाम में जब किया तो आपको पता है आसाम में 1600 करोड़ लोग खर्चे हुए हैं, 50,000 कर्मचारी लगे थे जब वो NRC कर रहे थे साथियों। 2 साल ये काम चला और अभी भी काम बाकी है साथियों, ध्यान में रखिए। इसलिए अगर पूरे देश में ये NRC करने जाएंगे तो 70,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगने वाला है। ये पैसा आएगा कहां से? आपको मालूम है अभी हमारा शिक्षा का जो बजट है,
उस बजट में से इस केंद्र सरकार ने 3,000 करोड़ का बजट निकाल लिया क्योंकि उनको सीए का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो साथियों ये सब हमको चलने नहीं देना है, इसलिए हमको इस पूरे प्रोटेस्ट को मूवमेंट में बदलना पड़ेगा। और इतनी बड़ी तादाद में मेरी बहनें या बेटी हैं, उनको ये मैं कहना चाहती हूँ, आप आसाम का अगर एनआरसी की लिस्ट देखोगे तो उसमें 69% हम बहने हैं। आज डिटेंशन कैंप में 69% बहने हैं, क्योंकि बहनों के नाम पर तो जमीन नहीं होती है, ना शादी से पहले ना शादी के बाद, है कि नहीं? हाँ बोल रही है, जोरदार बोलो हाँ, यस। तो नहीं होती है, ऊपर से हमारे में शिक्षा का प्रमाण कम, हमारे पास रोजगार नहीं, हम किसी राजनीति में नहीं, सामाजिक जीवन में नहीं, तो आप सोचिए कि हमारी क्या स्थिति होती थी। सब जाति धर्म की महिलाओं पर यह इफेक्ट होना है। इसलिए संजय भाई मुझे बोल रहे थे कि आप देखते हो वर्षा बहन, आज ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस मूवमेंट में महिलाएं जुम्बेश कर रही है। मैंने इसलिए उनको कहा कि भाई क्योंकि हम ही पहले डिटेंशन सेंटर में जाने वाले, इसलिए हमको तो रास्ते पर उतरना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए, क्योंकि फातिमा आई थी अपने देश को बचाने के लिए, सावित्री आई थी अपने देश को बचाने के लिए साथियों। इसलिए मुझे ये लगता है साथियों कि हमें इस प्रोटेस्ट को मूवमेंट में बदलना पड़ेगा। और मैंने जो कहा कि एनपीआर आने जा रहा है, तो मार्च महीने से हमको एनपीआर पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एनपीआर के थ्रू यानी जनगणना के थ्रू वो आपके घर आएंगे, आपसे सब पूछेंगे फैन है क्या, कितने लोग हैं, किस तरह का व्यवसाय, सब कुछ है। वो सारी लिस्ट बना के यानी 30 किस्म के सवाल पूछे जाएंगे आपको। ये पहले सवाल 15-16 थे, आज 30 हो गए, क्योंकि उन्होंने एनआरसी के कुछ सवाल भी उसमें डाल दिए, क्योंकि एनआरसी का विरोध हो रहा है। और हमारे पीएम ने तो कहा कि एनआरसी तो हमने कई शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। तो एनपीआर के जरिए ये हमारे घर आएंगे, आपको पूछेंगे, आपके घर के सदस्यों के नाम वाम पूछेंगे, ये सारी जानकारी लेकर वो जाएंगे कार्यालय में अधिकारी, और वहां पर जिन पर शक है, जिनको वो नहीं रखना चाहते हैं, उनको बोलेंगे कागज लेके आओ, और उनको कहेंगे कि आपके कागज ठीक नहीं है, और फिर आपको वो डिटेंशन कैंप में डाली जाएगा। तो इसलिए एनपीआर के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा तादाद में रास्ते पे उतरना पड़ेगा। और महाराष्ट्र सरकार आने वाला जो विधानसभा का ये है सदन सत्र है, उस सत्र में हमको माननीय उद्धव ठाकरे जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से ये कहना पड़ेगा कि उनको एनपीआर के लिए भी वो वापस लेना पड़ेगा। एनपीआर वापस लो, एनपीआर वापस लो, एनपीआर वापस लो साथियों, ये बहुत जरूरी है। जब भी एनपीआर शुरू होने से पहले हमको ये कहना पड़ेगा कि इस तरह की ये जो शुरुआत करेंगे तो उसको हमको रोकना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस जुम्मेश को हम सब सारे साथी साथ मिलकर आगे बनेंगे, क्योंकि रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहां इंसानियत जिंदा है वहां पे मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है कि ये खतरे में, किसी को लगता है कि वो खतरे में, साथियों मुझे लगता है हम सबको धर्म का चश्मा उतार के देखना पड़ेगा। आज हमारे देश का संविधान खतरे में, और इसलिए संविधान की लड़ाई में आप सब साथ में और साथ जुड़ेंगे। जय भारत, जय संविधान। देखो इस देश में, इस देश को भारत कहना पड़ेगा। जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। मेरा कहना है जोड़ो जोड़ो, आपको कहना है भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो। साथियों इन्होंने कोशिश की है कि जनता को इतना निचोड़ो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। तो इसलिए साथियों इस गंभीरता को, इस गहराई को समझना होगा, इस प्रोटेस्ट को मूवमेंट में बदलना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि फिरोज भाई और उनके साथ तमाम हमारे जो साथी जुड़े हैं उसको इस मूवमेंट में तकलीफ करके आने वाले दिनों में अप्रैल महीने में
शुरू होने वाले एनपीआर से पहले मार्च महीने में इस मूवमेंट को और बड़ी तादाद में हमको जोरदार लड़ना पड़ेगा। आप सबको खुदा हाफिज। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा वर्षा विद्या विलास साहबा ने बहुत खूबसूरत बातों से हमें नवाजा है और तारीख की तरफ इशारा करने की भी हमको ज़रूरत है। उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि वाकई जहां से जिस जगह पे खड़े होकर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म परचम लहराते हैं, भाषण देते हैं, वो इमारत भी काबिल गौर है, उसकी तारीख़।